तो गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो? सारे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और एक बार जो है अपने दरवाजे बंद कर देते हैं घर के, ये भी जरूरी है। खैर भाई, पिछले 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं आपको ब्लॉग में। लेटेस्ट अपडेट पड़ गया, अपडेट तो पता चल ही रहा होगा। अभी जो है मैं थोड़े इनको बाहर रख देता हूँ और उसके बाद अंदर लेके जाता हूँ। तो एक अपना बोरा ये दिख रहा होगा और एक ये रहा, ठीक है। तो 2 प्रोडक्ट्स हैं। तो बेसिकली इसमें ट्राईपॉड है और इसमें आया भाई अपनी तरफ से लवीबियानी कस्टम्स की तरफ से एक कुरियर फ्रॉम जयपुर। तो ये भी धूप में रखा हुआ है। खैर पता नहीं कोरोना के बारे में ऐसे बोलते हैं कि वो मरता तो नहीं है इन सबसे। और ये खड़ी अपनी बुलेट। अच्छा, आज जो है भाई मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी गाड़ी में, मतलब दिक्कत तो नहीं आई बट हाँ एक ऐसा रियलिटी जो आप सब लोगों को, ओहो ये क्या करा तूने बेटा, तुम गए, नाउ यू आर गॉन। बताए हेलो, मम्मी से बताऊं भाई, इसने सारे पेड़ उगाड़ दिए मम्मी के सारे। इधर गाइस, वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बोडमो के बारे में। तो गाइस, bodmo.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आप अपनी गाड़ी के लिए कोई भी OEM पार्ट ऑर्डर कर सकते हैं। OEM से मेरा मतलब है ओरिजिनल, जो गाड़ी के पार्ट्स होते हैं वो। कोई भी कंपनी हो आपकी गाड़ी, मारुति महिंद्रा कोई भी कंपनी की गाड़ी हो, आप हर एक गाड़ी के पार्ट जो है वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे जो है आप पूरे इंडिया में बैठे बैठे अपने घर पे पार्ट्स मंगवा सकते हैं। तो आइए ऐप में एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे की वीडियो स्टार्ट करें। गाइस, बोडमो से कैसे ऑर्डर करना है तो मैं आपको बताता हूँ। आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर पे इसकी ऐप जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे आप पार्ट नंबर या पार्ट क्वेरी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और इजियर वे होगा कि आप VIN नंबर भी डाल सकते हैं। कार के थ्रू अगर आपको सर्च करना है तो यहाँ पे आपको कार मेकर डालना होगा, जहाँ पे आपको सारे कार मेकर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं सपोज कीजिए अपनी गाड़ी के बारे में डालता हूँ, तो मारुति आता है यहाँ पे। उसके बाद मॉडल लाइन में मेरे को बलिनो डालना होगा, ईयर में कौन सी ईयर की मेरी गाड़ी है वो डालना होगा, एंड मेक श्योर कि आप सब कुछ सही डालें। उसके बाद मॉडिफिकेशन में यहाँ पे आपको टाइप 1 एंड टाइप 2 देखना होगा। तो अपनी जो है वो टाइप 1 अल्फा है, तो यहाँ पे 1.2 अल्फा टाइप 1 आपको दिख रहा होगा, ये आ जाएगा। उसके बाद सर्च पार्ट्स पे जाएंगे तो आपको जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे मिल जाएंगे। ऊपर जाके है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और याद रहे कि सारे पार्ट्स ओरिजिनल है, OEM है। उससे भी एक और दूसरा वे बताता हूँ मैं आपको, सर्च OEM कैटलॉग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको पूरा कैटलॉग मिल जाएगा आपकी गाड़ी का, जिसमें आप चूज़ कर सकते हैं। सपोज आपको इंजन का कुछ पार्ट चाहिए तो आपको इंजन पे क्लिक करना होगा। एंड उसके बाद गाइस जो है यहाँ पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंजन से रिलेटेड सारे जो हैं आपको यहाँ पे पार्ट मिल जाएंगे। उधर सा आ जा, चल दिया भाई, तेरे को मम्मी ढूंढ देगी, ऐसे दिखाइयो मत कि तूने करा ये सब। खैर भाई चलते हैं। अच्छा, अब जो है भाई मैं आपको बताने वाला था गाड़ी के बारे में, बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गया था, वो बात अलग है। तो भाई सीन अभी यूँ है, देखो मैं आपको दिखाऊं कि अपनी गाड़ी में जो है K&N का फिल्टर लगा हुआ, आप सभी को पता होगा ये चीज़ है ना। एंड एक बार जो ओपन कर लेता हूँ, सो गाइस यहाँ पे जो K&N का फिल्टर लगा आपको दिख रहा होगा कि इसकी हालत जो है थोड़ी बदतर हो चुकी है। बदतर एज इन की इसमें जो है अब एयर इनटेक उतना नहीं है जितना पहले होता था। हालांकि ये और भी आगे जा सकता है, मतलब आप इसको एकदम काला होने तक का वेट कर सकते हो, बट मैं उतना वेट नहीं कर सकता बिकॉज इंजन के साथ जो है मेरे को कोई भी खिलवाड़ नहीं करना। तो अब एक बार आपको गाड़ी में बैठ के बताता हूँ कि एक्चुअल में जब आपका इंजन चोक हो जाता है तो उस टाइम क्या होता है। पास से ले जाके दिखाऊं, तो ये कुछ जो है आपको हालत दिख रही होगी। एक बार गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ से देख सकते हो कि इधर से जो है सारी हवा जाती है, एंड अब जो है थोड़ा चोक हो चुका है तो आवाज़ भी थोड़ी चेंज हो चुकी है, ये आपको यहाँ से सुन रहा होगा। तो एक बार भाई मैं इसको खोलता हूँ अभी और उसके बाद साफ करके दिखाता हूँ और पिकअप में दिखाता हूँ कि क्या कमी जो है मेरे को महसूस होती है। सो गाइस बेसिकली अपना ये जो K&N का फिल्टर होता है, इसका काम ये रहता है कि आपकी जो गाड़ी होती है उसको, ये जितना भी मारुति की गाड़ियाँ जिसमें बूट लैग है, सॉरी बेसिकली पिकअप लैग है, उसको ये डिलीट करता है। तो यहाँ से जो है एक बार मैं पिकअप दिखाता हूँ आपको। एज सच तो पिकअप कोई ड्रॉप नहीं हुआ है, एंड आपको आवाज़ भी सुन रही होगी, बट इशू क्या है कि जब तो भाई अब मैं इसको वापस लेके जाता हूँ अपने घर पे, गाड़ी को मैं एक बार चेक करने आया था बस। अब वापस घर पे लेके जाऊंगा, ओपन करूंगा अपना जो एयर फिल्टर है उसको, एंड उसके बाद आपको क्लीनिंग का प्रोसेस दिखाऊंगा कि क्लीन कैसे करा जाता है। एंड पूरी जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगी अपने हर्ष व्लॉग्स वाले चैनल पे, इसमें जो है थोड़ा बहुत पार्ट दिखा दूंगा बिकॉज मेनली मेरे को उसी में बताना है सारा टेक्निकल। यहाँ पे साफ करते दिखा दूंगा एक्चुअली में साफ कैसे होता है। तो भाई अभी मैं जब खोल रहा था मैंने एक चीज़ देखी कि भाई इसका जो स्क्रू है ना ये ढीला हो चुका है, दिख रहा होगा आपको। तो इसकी प्लेसमेंट जो है इतनी यहाँ तक होती है एंड ऊपर यहाँ तक होती है इधर, तो ये जो स्क्रू है ये ढीला हो चुका है, इसके नीचे मेरे को एक लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे ही खिरता फिरता रहेगा। और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा नीचे, इधर भी जो है थोड़ी सी ऑयल की लीकेज हुई है क्योंकि ये जो है नीचे यहाँ पे पड़ गया है। तो इसकी जो प्लेसमेंट है यहाँ पे, अच्छा और एक चीज़ दिखाऊं मैं आपको, डिफरेंस मैं समझाता हूँ कि जहाँ पे ये छुपा हुआ था इधर, इधर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे छुपा हुआ था, तो इधर से देख सकते हो एकदम रेड है, एंड जहाँ से ये कांटेक्ट में आया है मिट्टी धूल मिट्टी के, वहाँ से एकदम ब्लैक हो चुका है। तो एक बार खोलता हूँ इसको एंड फिर रिचार्जर किट भी दिखाता हूँ कि रिचार्जर किट एक्चुअल में होता कैसे। तो यहाँ पे मम्मी पूरे गुस्से में आ रही है, क्यों
डंडा लेके आ रही है, हंटर लेके आ रही है। इसके पीछे रीजन ये मैंने आपको बताया था कि ये बाहर जो है भाई कुत्ते आ चुके हैं यहाँ पे मम्मी खेती में, दिखाऊं मैं आपको, ये देखो ये बैठा। और ये मौका है वारदात पे, मैंने मम्मी से इसकी कंप्लेंट करी है और उसका ही तो अंदर है। खैर मम्मी अपने आप डील कर लेगी। और फिर मैं आपको बताता हूँ एन मौके पे जो है मेरे को स्क्रू ड्राइवर नहीं मिला। अरे मैंने खोल के एक बार निकाला, वापस चले गए अंदर, देख लो देख लो। तो भाई मेरे को जो है स्क्रू ड्राइवर तो मिला नहीं, एंड मैं चम्मच लिया है क्योंकि इंडियन फैमिली जो है उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, किसी चीज़ से खोल सकते हो। तो लेट मी ट्राई कि चम्मच से खुलता है या नहीं खुलता। और भाई मुश्किल लग रहा है, नहीं हुआ, फेल। तो भाई गाड़ी यहाँ पे खड़ी होके जो है एकदम बढ़िया से हो जाएगी। बाहर मैंने आपको बताया था कि एयर फिल्टर एक बार हट जाता है तो उसके बाद आप गाड़ी नहीं चला सकते क्योंकि इंजन जो है हवा लेगा और मिट्टी कितनी जो उड़ती है आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे जो एक बार एयर फिल्टर हटा देता हूँ मैं, उसके बाद इसको साफ करते हैं। तो बहुत ढूंढने फिरने के बाद जो है मेरे को स्क्रू ड्राइवर मिल चुका है, एंड प्रोसेस जो है सिंपल है। यहाँ से जो है इसमें आप फंसाओ और इसके बाद इसको जो है खोल दो। लेट्स ट्राई, थोड़ा दम लगाना पड़ेगा, वीडियो एक बार बंद करता हूँ क्योंकि मैं जो है ट्राइपॉड अभी यूज़ नहीं कर रहा। तो भाई देखो ये खोल लिया है अपन यहाँ से अपना फिल्टर पूरा का पूरा, और कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका दिखाऊं आपको। देखो यहाँ से देखो इसका कलर है, ये देखो, और इधर से देखो इसका कलर है ना। तो अब जो है भाई पूरी वीडियो तो मिलेगी आपको अपने हर्ष व्लॉग्स वाले चैनल पे ही कि कैसे जो है मैंने साफ सूफ करा और क्या करा। एंड इधर से जो है आपके बार मैं ट्राई करूँगा कि इसको ऊपर रखूँ एंड इसको नीचे, बिकॉज ये साइड थोड़ी वीक हो चुकी है। अंदर से दिखा दूँ, अंदर से ऐसे है पूरा। तो हर्ष व्लॉग्स वाले पूरी वीडियो मिलेगी, जाके देख लीजिएगा। और देखो ये दिखाऊँ, यहाँ से रोशनी आ रही है ना, तो इधर से साफ है, इधर से दिख रहा होगा रोशनी में थोड़ा फर्क है। तो चलो अभी साफ करते हैं। और भाई साथ के साथ जो है अनबॉक्सिंग तो कर ही लेते हैं अपनी वीबियानी कस्टम्स से जो आया है अपना ये रिचार्जर किट। तो भाई मेरे को थोड़ा सा माफ़ करिएगा वैभव भाई कि आपने पैक तो बहुत अच्छे से करा है, पर मैं जो इसकी ओपनिंग है भाई मेरे को थोड़ा माफ़ करिएगा वैभव भाई कि आपने पैक तो बहुत अच्छे से करा था पर इसकी ओपनिंग जो है मैं बड़े ही जाहिलों के तरीके से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से टाइम की बड़ी कीमत होती है एंड आपकी भी बहुत कीमत है। खैर ओपन कर देते हैं एक बार इसको ऐसे ही, और यहाँ से जो है वापस एक बार ओपन करता हूँ। एंड भाई पैकिंग जो है लाजवाब करी है, एंड कहाँ से आया दोबारा बता देता हूँ, वीबियानी कस्टम्स देख सकते हो यार, अपना एड्रेस है, फ़ोन नंबर भी आ जाएगा आपको स्क्रीन पे। खोल लेता हूँ यार एक बार, एक हाथ से नहीं खुल रहा। तो भाई अभी ऑर्डर खोल ही रहा था और एक ऑर्डर और आ चुका है, दिखाऊँ मैं आपको यहाँ पे। ये रे भाई अपने ऑर्डर लेके आए हैं, किसके नाम से? तो भाई ये भी आ गया ऑर्डर, इसको भी रख देता हूँ, इन दोनों की अनबॉक्सिंग जो है बाद में करूँगा। एंड इसकी जो अनबॉक्सिंग उस पर लगा हुआ था दोनों एक बार, क्योंकि अभी ऑर्डर जो है मैंने रिसीव करा है, तो ठीक है इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं एक बार। और सच्ची भाई इसको फोड़ने में जो मज़ा आता है ना इन पटाखों को, पट पट पट, वो इतना अल्टीमेट मज़ा है। बचपन में यही पटाखे होते थे तो नहीं फोड़ते थे, मतलब पूरे दिन ऐसे देते रहो स्ट्रेस बस्टर की तरह। खैर वो सब छोड़ते हैं। यहाँ पर जो है भाई अपना कैन एंड का रिचार्जर किट आ चुका है, और इसका यूज़ मैं आपको बताऊं बेसिकली अपना जो फिल्टर है आपने देखा होगा उनको साफ़ करने के लिए किया जाता है। तो भाई यहाँ पे इसकी मैं कॉस्ट दिखा दूं, कॉस्ट लिखी 1890 रुपये जो है MRP इसकी पड़ जाती है आपको। तो अब जो है मैं एक बार साफ़ करता हूँ, सारा प्रोसेस जो है भाई आपको हर्ष व्लॉग्स वाले चैनल पर देखने को मिलेगा, यहीं तक मैं दिखा सकता हूँ इस चैनल पर, बिकॉज ये टेक्निकल चैनल नहीं है, टेक्निकल चैनल वो है एंड उस पर मैं दिखाना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। तो चलते हैं अपना और साफ़ करके मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर जो है अपना ये पड़ा फिल्टर, ये रहा अपना फिल्टर, वो फिल्टर ना क्या, अच्छा ये रहा अपना फिल्टर। तो अब चलते हैं इसको साफ करके आते हैं, ठीक है? क्या मम्मी है? मेरे को लगा पॉट है, गमला मंगा। मम्मी पूछ रही गमला है क्या ये? अरे गमला नहीं है, एयर फिल्टर है गाड़ी का। इधर पीछे से मेरी तरफ से देखेगा तो गमला ही दिख रहा है देखा। अरे फिल्टर है। और ये क्या है? ये क्या है? ये कोई होगी साफ से। ये देखो मैं दिखाऊं ये क्या होता है, एयर फिल्टर होता है और इसके इस इंजन में आवाज आती है। गरम तो नहीं है, नया है क्या? नहीं नहीं पुराना है, लगा हुआ था, अब साफ करना है कई दिनों के। तो यहाँ से वो कितना काला हो रहा है, दिख रहा है है ना, एकदम काला हो रखा है। और इधर से देख रहे हो पिंक है, तो इससे जो है अंदर आवाज आती है। अगर काला हो जाएगा पूरा चौक हो जाएगा तो अंदर हवा नहीं जाएगी, और पिकअप इसी की वजह से बढ़ता है गाड़ी में। इंजन में लगेगा या एसी एसी का है? नहीं इंजन का, इंजन इससे इंजन में आवाज आती है, ठीक है? आगे समझ में आपको ब्लॉगर बनाते हैं। हाँ, भाई रोटी खा रहे हैं और इनको जो है सूखी सूखी रोटियां पसंद है एकदम, ऐसी नहीं कि एकदम मतलब मजबूरी में खा रहे हैं। हाँ मजबूरी में, अरे स्काई के चक्कर में क्या? तो भाई चलो साफ करता हूँ। एंड रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे कुछ ज्ञानी भाई, ज्ञान मत पेलिएगा नीचे कि ये फिल्टर ऐसा होता है वैसा होता है, 10 लाख किलोमीटर की गारंटी होती है इसकी, कोई भी दिक्कत नहीं आती। भाई देखो गाड़ी में मजे लेने हैं तो तुम्हें जो है मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा। मैंने इंजन तक दिखा दिया आपको, हर्ष व्लॉग्स वाले चैनल दिख जाएगा, इंजन में इसमें कोई हार्म नहीं होता अगर आपको मेंटेन करना आता है। चलो भाई साफ करता हूँ, आज फिर मिलते हैं, उम्मीद करो पसंद, लाइक शेयर करना, बाय।